Hi dear students, this is the Ranna classes. Please like, share, comments and subscribe these channels. Thank you. चलिए बच्चों, आज हम ओ की मात्रा को देखते हैं. इसका स्पेलिंग होता है ए यू. हम वर्ड कुछ लेते हैं, जैसे ले लेते हैं कौवा, कौवा का क्या होगा देखिए, जैसे ये बना है क धन औ की मात्रा से धन आ से, तो इसका स्पेलिंग हो जाए क क क क के औ का ए यू प्लस आ का डबल ए. तो क्या हो जाएगा इसका स्पेलिंग के ए यू डबल ए. और देख लेते हैं, जैसे नौका न का क्या हो जाएगा एन ओ की मात्रा ए यू फिन क का के फिन ए. पौधा प का क्या हो जाएगा पी औ का ए यू ध का डी एच फिन आ का ए. हम देख लेते हैं मौज, म का एम औ का ए यू ज का जे. अब देख लेते हैं जैसे और का स्पेलिंग क्या होगा. औ का ए यू र का आर, इसका क्या हो जाएगा ए यू आर. अब ये ऑलरेडी पहले से ही स्वर है और इसके बाद व्यंजन है, तो स्वर का सेम वैसे ही रख देना है, उसके बाद जो व्यंजन रहेगा उसका लिखना है. खौफ, यहाँ पे ख का के एच औ की मात्रा ए यू फिन पी एच. देख लेते हैं सौत, सौत एस स का एस औ का ए यू त का टी. कौर, क का के औ की मात्रा ए यू फिन आर. अब देखते हैं पौरी, अब यहाँ पे डबल ई भी आ गया है ए यू भी आ गया है. देख लीजिए जैसे पौरी हो गया प का पी ए यू फिंडा का आर बड़ी की डबल ई. जैसे गौरी लिखते हैं गौरी, गौरी का क्या ग का जी औ का ए यू फिंडा का आर बड़ी की मात्रा डबल ई. दौरी, द का डी औ का ए यू र का आर बड़ी की मात्रा डबल ई. मौसी, म का एम औ का ए यू स का एस बड़ी ई. सॉरी, स पे बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई हो जाएगा. लौकी, ल का एल औ का ए यू क का के बड़ी ई की मात्रा डबल ई. एक और देख लेते हैं चौकी, च का सी एच औ का ए यू क का के बड़ी ई की मात्रा डबल ई. देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एक व्यंजन है, यहाँ पे स्वर है,
तो हमने क्या किया, व्यंजन को व्यंजन में रख दिया, स्वर का पूरा स्पेलिंग लिख दिया। वैसे यहाँ पे देखिए पहले स्वर है उसके व्यंजन है, तो व्यंजन का जो स्पेलिंग होगा उसको सेम वैसे रख देंगे, बाकी सॉरी स्वर का जो स्पेलिंग होगा वो ऐसे रख देंगे और फिर व्यंजन का स्पेलिंग लिख देंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा, औ की मात्रा के दो वर्ड के अक्षर को, और इसमें बड़ी ई की मात्रा को भी हमने देखा एक साथ में, क्या औ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और आ की मात्रा को देखा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।